हाँ बेटा, तो अब हिस्ट्री पर आते हैं। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो मैथ्स बोलो कैसे बोलो। होता है? जैसे आप नौ पढ़ाते हो पूरा, जहाँ जब बीच में पॉइंट छूट जाता है, पॉइंट छूटने के बाद जो आगे चल जाता है वो वाला पॉइंट लिखना रहता है कि उससे भी पहले जो पूरा कंप्लीट एक पॉइंट छूट जाता है। मैथ्स है। मतलब कहने का मतलब है ना, कोई टॉपिक है तो उसमें कुछ कुछ लाइंस रहता है ना, जो हम लोग वो सब जो यहाँ पे नहीं होता है तो वो लिखेंगे या फिर। देख, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं नेपोलियन का सिविल कोड के बारे में। हाँ सर। सिविल कोड में हम आपको हो सकता है दो तीन बताएं, जी सर। आप दो तीन बताएं, हो सकता है जब आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें सात आठ मिल जाए, जी सर। तो उसको ऐड कर लेना है। तो सर उसके जितना अगला भी मैच उससे आगे जैसे आ उससे जाएगा। नहीं, अगला अगला टॉपिक तो टच ही नहीं करना है। टॉपिक नहीं, मतलब टॉपिक नहीं है, मतलब कि उससे ये थोड़ा टॉपिक आगे। नहीं है। जैसे हाँ, आप लिबरल ऑफ हम नेशनलिज्म जब आप भी ये ले एक सर मिनट रुक जा, सर बोलिए। हम जब भी लेते हैं हम एक टॉपिक लेते हाँ सर, हैं। एक टॉपिक लेते हैं तो लिबरल नेशनलिज्म में पूरा एक टॉपिक है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट नीचे भी है, हाँ, इसलिए तो सर ऐड कर सकते हाँ ऐड कर सकते हैं ना। वो पढ़ाई हाँ नहीं है, बस पढ़ाई नहीं यही है, पूछना। वो बन ही नहीं है तो सर और वो मतलब हुआ भी नहीं, और वो लग ओहो, फिर वही बात। सर लिबरल सर एक सर मिनट रुक जा, लिबरल नेशनलिज्म जी सर कहाँ तक है ये तो आपको पता चल रहा होगा, जी सर क्योंकि हाँ हम पूरा सर कहानी बता चुके हैं आपको। आगे का चीज जो है वो कंजर्वेटिज्म पर है, उसको टच नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी था टॉपिक ना, ना आप बताएं तो टॉपिक है ना उसमें देखो, हम जो बताए हैं वो फुल कॉन्सेप्ट है, नई कहानी उसमें आएगा ही नहीं, नई कहानी उसमें कैसे आ जाएगा? हम देख लिए हैं, हर साल नोट्स बनता है यहाँ पे, बच्चे हर साल नोट्स बनाते हैं। नहीं, डाउट क्या है बोलो ना बेटा। ये पूरा ये ये पढ़ा पढ़ है, गया पढ़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो यहाँ जो इतना टॉपिक यहाँ तक है, फिर यहाँ तक जो लास्ट इन तक है ना, इसका नोट्स ना पूरा बनेगा। हाँ, हाँ बस तो सर तो उनमें हम से तो बोल ही तो रहे हैं कि वही एक टॉपिक पूरा मैंने बनेगा। ये बोला, उनमें से तो एक टॉपिक जो हुआ वो पढ़ चुके तो हैं, मतलब लिबरल आप लोगों ने नेशनलिज्म पढ़ा का आप सर लिख दिए। जो सेकंड टॉपिक है उसमें से ना कुछ कुछ सेकेंड ऐसे टॉपिक हैं। हम छुए भी नहीं सर। जैसे ही बोला ना, एक यहाँ तक है, इधर से पूरा होकर के यहाँ 40 स्टेज सब जितना है ना, सर इसी वो के सब लिए यहाँ पे पूरा नहीं ना, बट टच वो किया सब है। नहीं ऐसे टाइप किए ना। देखो देखो, अगर आप यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं, जी कहानी सर। सुनने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये तो कहानी सर हम पढ़े ही उसमें नहीं क्या है। है ना, उसमें क्या है ना, पहले चेंज किया हुआ ठीक है, उसके बाद ना दूसरा भी उसके बाद बताया नहीं गया, ये पढ़ाया थोड़ा ही गया बताया है। गया है, तो लोग खुद लिख दिया है, लोग हम लोग को इतना पढ़ रहा है सर, वो सब हम नहीं लिखते नहीं, जो जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसको आप क्यों लिखेंगे? हाँ वो नहीं जो लिखते। आपको समझ में आ रही है बातें, जो आपको कहानी मालूम है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि जो हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है, उसी को आप लिखेंगे ना। अब जैसे आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कंजर्वेटिज्म। जी सर अब कंजर्वेटिज्म के बारे में आपको नहीं मालूम है तो क्यों लिखेंगे आप? हम नहीं लिखेंगे। आपको लिबरलिज्म के बारे में मालूम है, उसको लिखिए। हाँ वही लिखे बस, एक ही टॉपिक जो आप बताएं उसका हाँ, बस एंड तक। तो जो पैराग्राफ चेंज में लिखे हैं हाँ, उसके बाद जो है, तो एक है ना वो नहीं पढ़ाएंगे ना, बस दिस लिख देते, उसको काटते नहीं काटेंगे क्यों? आप समझ के लिखे हैं आप? हाँ ना, मतलब वही मुझे जो हाँ सर, आप नाइन्थ समझ कॉन्सेप्ट के लिखे नहीं, हैं जो तो नाइन्थ लिखना का पढ़ा आपको है ना चाहिए। वही वाला लाइन है। आप 9th की तो 70% बातें 9th की है, जी सर लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आप लिखे हैं वो आप समझ कर लिखे हैं। जी सर हाँ, तो बस हो गया। आपके कॉपी में एक भी लाइन बिना समझे नहीं होना चाहिए। हाँ सर आप जो भी लिख रहे हैं पूरे होशो हवास में लिख रहे हैं, आपको मालूम पूरी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और इसका क्या मतलब होता है और क्यों लिख रहे हैं ये। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बस यही है। तो कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादी, ये हिंदी है रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद कौन होता है? रूढ़िवाद होते हैं वो लोग जो परंपराओं को बांध कर रखते हैं कि नहीं, परंपरा है, कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं। समझ में आ रही है ना? बेटियां घर से नहीं निकलती हैं, भैया परंपरा है ना, कैसे निकलने दे देंगे? परंपरा है, मेरे पूरे खानदान में लड़की लोग 8वां क्लास से ज्यादा पढ़ ही नहीं है, तो मेरी बेटी कैसे पढ़ लेगी? खतरनाक लोग हैं ये सब। परंपरा, आ जैसे छठ पूजा परंपरा है, सालों से चली आ रही है, मना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो परंपरा जो किसी को बढ़ने से रोक दे, जो किसी के जीवन को शानदार बनाने से रोक दे, और वो लोग जो ऐसी परंपरा को फॉलो करते हैं खतरनाक लोग होते हैं, तो ऐसे लोग मत बनना। चेंजिंग जरूरी है, समझ में आ रही है ना? हाँ, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो चेंजिंग जरूरी है। तो फिर वैसे आदि मानव लोग पत्ता पहन के घूमता था, तो फिर जींस का है का? है कि नहीं? तो चढ़ो पीपल का पेड़ पे, उतारो 1000 पत्ता और बिनना शुरू करो उसको। तो अगर परंपरा से ऐसी परंपरा फॉलो कर रहे हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो खतरनाक है। बाकी पूजा पाठ वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको अपनाइए। मन में शांति मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब ये रूढ़िवादी पॉइंट कहाँ से आया? तो आपको याद होगा कि नेपोलियन कब आया था फ्रांस में, शासन कब से शुरू हुआ था? 1804 में ना? जी सर। और वो आते के साथ बहुत कुछ नयापन लाया। जी सर। तो मतलब डेमोक्रेसी को हटाया वो, मोनार्की को लाया, और मोनार्की को लाने के बाद भी लोगों का विरोध नहीं हुआ, ठीक है, जो लुई 16 में हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वो जो वो कर रहा था, वो सारी चीजें लोगों के लिए बेहतर थी। तो सब ठीक है। तो अब इसके बाद, लेकिन नेपोलियन के कुछ मिस्टेक्स भी थे। कौन बताएंगे वो मिस्टेक्स क्या थे? बोलो बेटा, आप ही लोग बोलो, इधर से बोलो। सर, वो अपने सैनिकों को बोलते थे कि फ्रांस का जो बॉर्डर रहता था वहां पर जाकर लोगों को, मतलब कि क्या कहते हैं, देश के जो स्वतंत्रता उन लोगों को था उसके बारे में बताने के लिए, और उन लोग बताने के साथ साथ उन लोगों को फोर्स करते थे सैनिक में भर्ती होने के लिए, फ्रांस का सैनिक। और कुछ था? एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे कि वो अपना जो टेरिटरी है जो आप उसको बढ़ा रहे थे। अब जाहिर है ना, क्या वो बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो यही हुआ, जब नेपोलियन ऐसा करने लगा, नेपोलियन का जो हरकत था, इस हरकत से तीन देश आपस में मिले, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन। कौन कौन बेटा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन। ये तीन कंट्री ने मिलकर क्या किया? एक वॉर हुआ जिसमें नेपोलियन को हराया गया, ठीक, क्योंकि नेपोलियन अगर नहीं हारेगा तब तो वो अपने टेरिटरी को बढ़ाता रहेगा, तो नेपोलियन को हराया गया, और इस वॉर को बोलते हैं, हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू। बिल्कुल सही, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। क्या हुआ था ये? 1815 में। अब इसके बाद जब नेपोलियन को डिफीट किया गया, इसके बाद 1815 में ही इन लोगों के बीच में एक मीटिंग हुआ। वो मीटिंग कहाँ हुआ? वो मीटिंग हुआ वियना में। कहाँ मीटिंग हुआ बेटा? वियना। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। क्या बोलते हैं? मैंने ये जो मीटिंग हुआ, इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, और इस मीटिंग को बोलते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ, मैंने कुछ डिसीजंस लिए गए। अब डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो पेन पेपर पे आएगा, उसमें सारे लोग सिग्नेचर करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि, यानी वियना, वियना की संधि या वियना संधि, जो भी आप बोल लें, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है ना। तो एक ट्रीटी ऑफ वियना पर सिग्नेचर हुआ। अब वो तीन मेजर डिसीजंस लिए गए थे वहां पर, तीन डिसीजंस। कौन कौन से डिसीजंस लिए गए थे? एक तो डिसीजंस लिया गया था कि मोनार्की को जारी रखा जाए। एक डिसीजंस क्या था? कि जो राजतंत्र था उसको जारी रखा जाए। क्यों? क्योंकि परंपरा था। फ्रांस में तो पहले भी तो राजतंत्र था, बीच में डेमोक्रेसी हुआ, फिर नेपोलियन आया और वो मोनार्की को लाया, और फिर जो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ उसमें भी राजतंत्र को क्या रखा गया? जारी रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये लोग भी कहीं ना कहीं क्या थे? कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे थे, परंपराओं को फॉलो कर रहे थे। दूसरा डिसीजन जो लिया गया, वो फ्रांस के बॉर्डर पर स्टेट्स बनाए गए।
फ्रांस के बॉर्डर पे क्या बनाए गए? अब जाहिर है कि फ्रांस के बॉर्डर में अगर स्टेट्स बन जाएगा, तो अगर स्टेट बन गए, स्टेट का मतलब देश, तो फ्रांस के बॉर्डर में अगर नया देश बन गया है तो फ्रांस आगे कैसे बढ़ेगा? जी सर। बढ़ेगा? खाली जमीन रहेगा तब ना बढ़ेगा। जी सर। खाली जमीन नहीं है तो कैसे बढ़ जाएगा वो? वो तो किसी और का देश है ना, और अगर वो आगे बढ़ेगा तब तो वो और होगा। ठीक है, तो क्या बनाए गए? स्टेट्स फॉर्म किए गए, ठीक है, ताकि फ्रांस आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, और तीसरा जो डिसीजन लिया गया, एक डिसीजन तो हो गया कि राजतंत्र, दूसरा डिसीजन हो गया स्टेट्स फॉर्म किए गए, और तीसरा डिसीजन जो है वो है कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। कौन सा डायनेस्टी याद आ रहा है? जी पक्का ना? जी क्लास नाइन्थ में है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। हाँ, बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया? रिस्टोर किया गया। तो देखो, राजतंत्र पहले से था उसको लाया गया, दूसरा बर्बन डायनेस्टी पहले था उसको भी रिस्टोर किया गया। तो कहाँ, कहीं ना कहीं किसको फॉलो कर रहा है? कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहा है।